अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नाइन्थ डेफक्लेरिया सुपर लीग। हम मौजूद हैं मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में, जहां आज मेला लग रहा है। इनफैक्ट आज से नहीं, पिछले चार दिन से मेला लगा हुआ है। रियल स्टेट एजेंट्स जो डिफेंस और क्लिफ्टन एरिया के हैं, वो अपने आप को भरपूर इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरा साल ये लोग मेहनत करते हैं और आज इनको रिवॉर्ड किया जा रहा है। आज के दिन दो सेमीफाइनल खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा अल मुस्तफा एंड प्रॉपर्टी ट्रेड सेंटर और अहमद स्टेट मरकज और जियो स्टेट के दरमियान। दूसरे सेमीफाइनल के बारे में आपको कुछ देर बाद बताएंगे, लेकिन उससे पहले कि हम टॉस की तरफ चले जाएं, कुछ स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ, वो लोग जो कि पूरा साल मेहनत करते हैं और फिर अपने आप को ये रिवॉर्ड देते हैं। हमारे साथ हैं डेफक्लेरिया के प्रेसिडेंट जुबैर बेग साहब। सबसे पहले जुबैर साहब, आपसे बात करेंगे। सर, इतना ज़बरदस्त मेला लगाते हैं, थोड़ा सा पस मंज़र बताएं हमें, क्यों होता है ये इवेंट? सर, बेसिकली कोई हेल्दी एक्टिविटी हमें करनी होती है अपने रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए, रियल्टर्स के लिए। और लास्ट टू ईयर से कोविड था और आपको पता है कि बिल्कुल ही ग्राउंड्स वगैरह, एंटरटेनमेंट सब बंद थी। तो हमने जब से आए हैं एज ए प्रेसिडेंट, तो मेरी यही विजन थी कि इनको एक दफ़ा एक प्लेटफॉर्म दें जहां ये आएँ, स्टेडियम्स खेलें और ये आगे चल के PSL भी खेलें। टेम बॉल क्रिकेट का वैसे रिसेंट टाइम्स में काफ़ी सिनारियो ऑन हो चुका है और अब तो आपको टेलीवाइज होते भी नज़र आ रहे हैं। हमें डेफक्लेरिया के वाइस प्रेसिडेंट साकिब शाह ने भी ज्वाइन किया हुआ है। मुख्तसरन हम आपसे भी बात कर लेते हैं, आगे चल के जुबैर साहब डिटेल में आपसे गुफ्तगू करेंगे। साकिब शाह साहब, ये इवेंट सिर्फ रियल स्टेट एजेंट्स के लिए नहीं है जो पूरे साल मेहनत करते हैं, उनकी फैमिलीज के लिए भी है, बिकॉज वो भी यहाँ पर आते हैं और इस गाला जैसे इवेंट को इन्जॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली हम, जैसे जुबैर बेग साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये हेल्दी एक्टिविटी हमेशा रहे, और ये DSL 9, ये DSL जो डेफक्लेरिया सुपर लीग है, ये DSL 9 हो रहा है जी। ये पहले भी हम करवाते रहे, 7th 8th भी हमने बहुत अच्छा कराया, लेकिन आज मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह DSL 9 पाकिस्तान में रियल इस्टेट एजेंट्स के तौर पर जो टूर्नामेंट है, आज वो एक नया बेंचमार्क सेट करेगा इंशाल्लाह। और हर साल हम इस इवेंट को कवर करते आ रहे हैं, इस साल कुल मिलाकर 32 टीमें इस इवेंट में शिरकत कर रही थी। आज टॉप 4 टीम्स हम एक्शन में देखेंगे। साकिब साहब, जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया। सलीम अख्तर साहब भी हैं जो आगे चल के हमें कमेंट्री में ज्वाइन करेंगे, बाकी बातें उनसे हम करेंगे। फिलहाल पिच पर दोनों कप्तान मौजूद हैं, दोनों कप्तान का इंट्रोडक्शन भी हम आपके साथ कराएंगे और थोड़ी सी फुर्ती में इजाफा करेंगे, क्योंकि 10 बजे जब मैच शुरू हो जाएगा उसके बाद तो सिर्फ फुर्ती नजर आनी है। दोनों कप्तान इस वक्त हमें पिच में नजर आ रहे हैं। अल मुस्तफा एंड प्रॉपर्टी सेंटर के कप्तान हसन खान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और उसके साथ साथ अहमद स्टेट मरकज और जियो स्टेट के कप्तान उजैर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। Do we have the coin, gentlemen? We have the coin. Zubair Beg Saab is going to do the honors. Aur pehla semi-final hai, so we'll make it count. Zubair Saab, let's flip the coin. Kaun call kar raha hai? Theek hai ji. Ready? Head or tail? Head is the call. And it is tail. Toss jeet liya hai janab Al Markaz ne. Al Mustafa ne toss jeet liya hai. Al Mustafa, kya kar rahe hain? हम पहले बैटिंग करेंगे। आप पहले बैटिंग कर रहे हैं इवेंट में, अभी तक पहले बैटिंग करते आए हैं, चेस करते आए हैं? हम पहले बैटिंग ही करते आए हैं और टोटल लगाएंगे बोर्ड पे इंशाल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा टोटल लगाएंगे ताकि उनको वापसी आराम से हम कवर कर सकें। ठीक है हसन, 8 ओवर का गेम है, कितना टोटल आप समझते हैं सेव होगा? 130-140 इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इतना टोटल करें। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। साथ साथ हमें अहमद स्टेट के कप्तान उजैर बलोच ने भी ज्वाइन किया हुआ। उजैर, टॉस तो आप हार गए हैं इवेंट में, अभी तक टॉस जीत कर पहले बैटिंग करते आए या बॉलिंग करते आए? बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी की है। मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है। माशाल्लाह हमारी बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इनको 70-80 रन पर रिस्ट्रिक्ट करें। आगे वाली टीम भी अच्छी है। अगले तो सोच रहे हैं कि 130 बनाएंगे, बनाने देंगे आप उनको? नहीं, बिल्कुल इरादा नहीं है हमारा बनाने देने का। 70-80 मैक्सिमम टोटल है हमारा, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है उसमें इनको रिस्ट्रिक्ट करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। राइट, द वर्ड फ्रॉम द सेंटर इज अल मुस्तफा एंड प्रॉपर्टी सेंटर ने टॉस जीता है और हसन खान ने पहले बैट करने का फैसला किया है। राइट, वेलकम बैक टू नाइन्थ डेफक्लेरिया सुपर लीग। ये इवेंट हो रहा है मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में। आज इस इवेंट के दो सनसनीखेज सेमीफाइनल्स और एक फाइनल मैच खेला जाने वाला है। कॉम बॉक्स में मुझे ज्वाइन किया हुआ है सलीम अख्तर साहब ने, हु इज द काउंसलर फॉर डेफक्लेरिया। और सलीम अख्तर साहब, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आप पिछले चार दिनों से क्रिकेट को? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे व्यूअर्स। मैं सलीम अख्तर, TF4 जोन मेंबर। मैं इस वक्त मौजूद हूं कमेंट्री बॉक्स में मोइन खान एकेडमी के अंदर और DSL 9 डेफक्लेरिया सुपर लीग नवा एडिशन, जिसका आज पहला सेमीफाइनल खेले जाना जा रहा है। और आज फ्राइडे का दिन है, 1 अप्रैल है और ये अप्रैल फुल बिल्कुल नहीं है।
और ये हकीकत है कि DSL 9 का जो है ये पहला सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं और जो दो खुशनसीब टीम हैं वो अहमद स्टेट मरकज एंड जियो स्टेट है और दूसरी जो टीम खेल रही है सेमीफाइनल पहला सेमीफाइनल प्रॉपर्टी ट्रेड सेंटर एंड अल मुस्तफा एसोसिएट। मैं इन दोनों टीमों को बेस्ट विशेस देता हूँ कि जो भी टीम जीतेगी वो डेफिनेटली होगी क्योंकि ये एक रियल इस्टेट एसोसिएशन का टूर्नामेंट है जो कि सिर्फ डेफिनेशन खेलते हैं। बिल्कुल सलीम साहब, अगर हम इस पूरे इवेंट की हिस्ट्री देखें तो हर साल ये इवेंट होता है, अनफॉर्चुनेटली पिछले दो सालों से ऑर्गेनाइजर्स चाहते हुए भी अरेंज नहीं करा पा रहे थे क्योंकि कोविड का सिनेरियो कुछ ऐसा बना हुआ था, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिला आपने 32 टीमें खड़ी कर दी माशाल्लाह से, और उन 32 टीमों के सनसनी खेज मुकाबले हुए हैं। उसके बाद ये चार टीमें सामने आई हैं, इस वक्त टीमें ग्राउंड में एंटर होना शुरू हो रही हैं। जी दानिश भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोविड का सिनेरियो था, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं इंटरनेशनली भी बड़ा इम्पैक्ट था कोविड का, जिसकी वजह से इकॉनमी भी बड़े कंट्रीज की क्लब्स की और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी और ये हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है डिसकंटिन्यू हुई। लेकिन हम डेफिनेटली, हमने जब ये इलेक्शन लड़ा, कॉन्टेस्ट किया और हमने विन किया मेजॉरिटी के साथ, हमारे प्रेसिडेंट जुबैर बेग साहब हेल्दी एक्टिविटी पर बिलीव करते हैं, वेलफेयर एक एसोसिएशन है हमारी, डिफेंस एंड क्लैप्टन रियल इस्टेट एसोसिएशन, जिसको ऑलमोस्ट 25 साल हो गए एग्जिस्ट करते हुए। हमारा बेसिक मोटो होता है कि हम अपने डेफिनेशन को, जो हमारे स्टेट एजेंट होते हैं, हम उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें। जैसा कि अभी 4-5 महीने पहले एक इंटरनेशनली लेवल का हमने स्नोकर चैम्पियनशिप करवाया था, जो उसका वेन्यू था क्रिक क्लब, और उसमें ठीक है जी, हमारे पास टीम लाइनअप भी सामने आ रहे हैं। अहमद सेठ की टीम आपके सामने, उजैर बलोच, फहद जब्बार, अरसल मलिक, वकार अनवर, इमरान कुरैशी, जैन अनवर, हुजैफा अनवर, वली खान, सैयद आबिद, बिलावल अनवर और सुहेल हनीफ भी इनकी टीम का हिस्सा हैं। अगर हम बात दूसरी टीम की करें तो अल मुस्तफा की टीम में आपको हसान खान, अदनान खान, शफकत मुगल, मेहरान खान, शाहजेब आबिद, तैयब खान, हमजा खान, शरियार खान, उसामा एजाज, काशान खान और मोहम्मद मेहर भी एक्शन में नजर आएंगे। दोनों टीमें ग्राउंड में उतर चुकी हैं। याद रहे आज के पहले सेमीफाइनल में अल मुस्तफा के कप्तान हसान खान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। सलीम, तकरीबन 130 तक का टारगेट लिए हसान खान ग्राउंड में उतरे हैं, आप सारे मैचेस फॉलो करते आए हैं, क्या एवरेज स्कोर रहा है पहली इनिंग्स में अभी तक? दानिश, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मोइन खान अकेडमी का ग्राउंड है, इसका आउटफील्ड बहुत फास्ट है और यहाँ पर जो मैक्सिमम जो हाई स्कोरर्स रहे हैं वो 147-148 तक गए हैं। जी बिल्कुल, इसको 7 ओवर, पहले राउंड का फॉर्मेट और सेकंड राउंड का फॉर्मेट 7 ओवर्स का था, ईच बॉलर 2 ओवर्स और एक बॉलर 1 ओवर, तो 130-120-110 जो है एवरेज स्कोर रहा इसका। और अब सेमीफाइनल 8 ओवर्स पर मबनी है। जी बिल्कुल, सेमीफाइनल का जो फॉर्मेट है वो 8 ओवर्स का है और ईच बॉलर 2 ओवर्स, 4 बॉलर यूज होंगे इस मैच के अंदर। राइट, बोथ द बैट्समैन आर ऑन द स्क्रीन और इस वक्त फील्ड प्लेसमेंट की जा रही है। टेप बॉल का रवायती अंदाज है कि शुरू से ही सारे फील्डर्स आपको बाउंड्री लाइन पे नजर आएंगे। इस फॉर्मेट के क्रिकेट में सिंगल डबल का गेम नहीं होता। सलीम साहब, देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरे ख्याल में इस इवेंट में अभी तक जितने मैचेस हुए हैं 100 अबव 6 लग चुके हैं और बाउंड्रीज का खेल है, शॉर्ट ओवर्स होते हैं क्योंकि 7 ओवर का पहला राउंड था, 8 ओवर का सेमीफाइनल होने जा रहा है, तो टीमें चाहती हैं कि हाईएस्ट स्कोर करें, अच्छा टारगेट दें क्योंकि फुल लेंथ पिच है, हार्ड बॉल की प्रॉपर पिच है क्योंकि सीमेंट पिच पर मैच नहीं हो रहा, प्रॉपर विकेट पर मैच हो रहा है। राइट, अल मुस्तफ़ा एंड प्रॉपर्टी ट्रेड सेंटर बैटिंग का आगाज़ करेंगे, टॉस जीत कर उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया और कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे पहले बैटिंग करते हुए। जी बिल्कुल, बेहतरीन टीम है ये जो अल मुस्तफ़ा और इनके जो प्लेयर्स हैं प्रॉपर्टी ट्रेड सेंटर के, इन्होंने ये यंग जनरेशन है बिल्कुल और बड़ा बेहतरीन बैकअप किया था लास्ट टाइम जो उन्होंने क्वालिफाई किया है, बहुत ही ऐसा मैच जीता जो ऑलमोस्ट इनके हाथ से निकल गया था लेकिन उन्होंने बैकअप किया और इस मैच को विन किया और आज सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। पहला बिल्कुल अल मुस्तफा के कप्तान हसान खान पहली बॉल फेस करेंगे, क्विक डिलीवरी डाउन लेग वाइड गिवन बाय द अंपायर और इस तरह खाता खुला अल मुस्तफा एंड प्रॉपर्टी ट्रेड सेंटर का वाइड बॉल के
बदौलत और दो रन आ गए बगैर किसी बॉल के, बगैर किसी नुकसान के और बगैर किसी बॉल के ये दो रन से इन्होंने अपने अपने स्कोर का आगाज किया है। और देखते हैं कि ये पहला ओवर कैसा गुजरता है। वकार अनवर एक बेहतरीन बॉलर जो कि डोमेस्टिक भी खेले हुए हैं और एक जाना पहचाना नाम, बेहतरीन बॉल करते हैं और बैट्समैन भी बहुत ज़बरदस्त हैं, ऑलराउंडर हैं ये। और ये देखते हैं बॉल करने आए, बॉल की और ये मेहरान को बॉल की, मेहरान ने कवर की जानिब खेला, देखते हैं एक रन बनेगा और एक रन का इजाफा, बेहतरीन फील्डिंग। बिल्कुल पहली बॉल हुई अभी सलीम और हमें टेप बॉल क्रिकेट का रिवायती अंदाज नज़र आना शुरू हो गया है। बैट्समैन अपनी क्रीज के अंदर घुस के खड़े हुए हैं और उसके साथ साथ बॉलर देखें आप जो मुश्किल से बमुश्किल 8-9 कदम से अपना रन अप ले रहे हैं, उसके बावजूद लीथल पेस से बॉलिंग कर रहे हैं। दानिश मैं आपको बताऊँ कि टेप बॉल का फॉर्मेट बड़ा डिफरेंट होता है हार्ड बॉल से। बैट्समैन को LBW का कोई खौफ नहीं होता और वो विकेट के सामने आके खेलता है और विकेट के अंदर बिल्कुल खड़ा होकर खेलता है, सांस बिल्कुल डिफरेंस होता है। बॉलर जो होता है वो रन अप शॉट रखता है, बेसिकली बॉल को फोकस करता है, बॉल की अनवर ने और आई थिंक के अंपायर का इशारा दिखना होगा। बैट्समैन का तो पता नहीं, हमें यहां से बॉल जब हाथ से निकलती है और बल्ले तक पहुंचती है नज़र नहीं आ रही। वकार जो है हमारा प्राउड इसलिए है कि टेफरियन से डोमेस्टिक खेला हुआ है, बेहतरीन बॉलर है, डोमेस्टिक में भी इसने जो एजाज़ हासिल किया था कि 7 विकेट ली थी अपनी एक इनिंग के अंदर। तो ये इनकी पेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस है कि टेनिस के हिसाब से भी और हार्ड बॉल के हिसाब से भी। तो वो बैट्समैन जो है वकार के आगे थोड़ा संभल के खेलता है कि उसको पता है कि विकेट मैं गंवा बैठूंगा अगर मैंने एग्रेशन दिखाया तो। वकार की एक और फुल लेंथ डिलीवरी, पेस से बीट हुए बैट्समैन, अच्छा राइट और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन भेजा है एज ओपनर्स अल मुस्तफा ने। मेहरान एक मंजे पे प्लेयर हैं और लास्ट मैच में इन्होंने अपनी टीम को विन कराया था एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैटिंग करके और छक्के लगाए थे और एक अच्छा स्कोर सेट किया था जिसकी वजह से ये टीम विन करके यहाँ तक पहुँची है। मेहरान ऑल सेट, यर अगेन वकार का सामना करेंगे, एक बार फिर यॉर्करलैंड डिलीवरी सलीम जिसको टिक आउट करने की कोशिश की। मेहरान काफ़ी पक्के प्लेयर लगते हैं, उनके स्टांस से नज़र आ रहा है कि उन्होंने भी हार्ड बॉल क्रिकेट खेली हुई है। बिल्कुल ये वो हमारे डेफलेरियंस हैं जो क्रिकेट लवर्स हैं और क्रिकेट खेलते हैं, हार्ड बॉल के प्लेयर्स भी इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वकार हार्ड बॉल से खेलते हैं। मेहरान जो है उनको पता है कि वकार एक बेहतरीन बॉलर हैं और मैं कहता हूँ कि अकलमंदी का मुजाहरा भी यही कि अच्छे बॉलरों को संभल के खेलना चाहिए। अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें और इसमें शरीक प्लेयर्स की बात करें तो चूंकि ये नवा एडिशन है डेफलेरिया का, We'll talk about it in a while. Here comes Vakar. Oh, एक और बहुत ही quick delivery. तो चूंकि नवा season है सलीम, players भी expect करते हैं कि हर साल ये tournament होगा, वो throughout the year practice करते रहते हैं, matches खेलते रहते हैं ताकि वो निक में रहें। ये सारे वो लड़के हैं जो साला साल आपको खेलते हुए नज़र आएंगे और इस event की तैयारी करते हुए नज़र आएंगे। दानिश मैं आपको बताऊं कि देखें ये जो event होता है ये एक mega और iconic event है हमारा डेफलेरिया का, जो हर दो साल बाद हम इसको लेके आते हैं अपने डेफलेरियंस के लिए। इसमें काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो सारा साल खेलते हैं, काफ़ी सारे ऐसे हमारे एजेंट्स हैं जो सीजनली जो है इस इवेंट को एंजॉय करने आते हैं। ये मिक्सअप 11 दिन की होती है और जो सारा साल खेलते हैं वो इस टूर्नामेंट में एज भी लेते हैं। राइट, एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, अल मुस्तफा एंड प्रॉपर्टी ट्रेड सेंटर आर 5 विदाउट लॉस। टेप बॉल क्रिकेट के हिसाब से जबरदस्त ओवर था वकार का। अगर टेप बॉल क्रिकेट में 5 से 10 रन भी आते हैं एक ओवर में तो वो ज्यादा नहीं समझा जाता क्योंकि 8 ओवर्स का गेम है और एक ओवर में अभी तक 5 का स्कोर किया है अल मुस्तफा की टीम ने, मजमूई स्कोर एक ओवर के खत्म पे 5 रन। मेहरान का शॉट और ये बहुत तेज शॉट खेलना चाहते थे लेकिन ग्राउंड पे ही रही बॉल और एक रन का इजाफा, छक्के की ट्राई की थी इन्होंने दूसरे ओवर के लिए। एक टिपिकल टेप बॉल बॉलर आपको एक्शन में नज़र आ रहे हैं जो फिंगर्स पर फोकस करते हैं, हाथ से बॉल को घुमाने की भी कोशिश करते हैं और ये आउट कर दिया है असाम को जो कि अल मुस्तफा के कैप्टन थे।
एक फुल पिच डिलीवरी थी, हसान इसको कहीं भी मार सकते थे, लेकिन खेला तो खेला लॉन्ग ऑफ की जानेब, जहां पर हसान कैच लिया लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर ने। और ये वाले कैचेस इस स्टेज पर आकर टीमें कम ही छोड़ती हैं, बिकॉज अब मन चुके हैं ये सारे। ये पहला नुकसान उठाना पड़ा अल मुस्तफा को, ये बेहतरीन बैट्समैन है, इन्होंने सेमीफाइनल के अंदर बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वकार और ये जो जियो स्टेट एंड मर्कज़ है, ये बेहतरीन टीम है, हम पल्ला टीम है, जिसकी वजह से जो है ये मुझे नहीं लगता कि खातिर खा जो है बैटिंग का मुजाहरा कर सके। और पहले सेकेंड ओवर की पहली बॉल पर इन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। बिल्कुल, एक तरफ जहां हसान खान कॉन्फिडेंट थे कि वो 130 तक का हदफ देंगे हरीफ टीम को, तो दूसरी जानब उजैर बलोच बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं जी हम 70-75 से आगे नहीं जाने देंगे इनको, तो उनको भी यकीन है अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंस पर। उजैर बलोच जो हैं उनको अपनी बॉलिंग पे बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उन्होंने इसको प्रूव किया है और 160 रन का टारगेट देकर क्वालिफाई किया था सेमीफाइनल को, और अगली टीम को उन्होंने 60 रन पर बुक किया था। ज़बरदस्त बॉलिंग एबिलिटी चाहिए होती है टेप बॉल में 8 ओवर्स में 60 रन तक महदूद करने के लिए दूसरी टीम को, क्योंकि सलीम 8 ओवर्स में 80-85 तो हस्ते खेलते बन जाते। सर दानिश भाई 80-85 तो फॉर्मेटी ग्राउंड का ऐसा है कि ओवर थ्रोज और 2-3 सिंगल डबल सा अगर करते हैं तो 80 प्लस तो वैसे चले जाते हैं, बाउंड्रीज तो आ ही जाते हैं एक आध, लेकिन बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए उन्होंने अगली टीम को बिल्कुल ही वॉश आउट कर दिया और मजबूर कर दिया बॉल करने आए। बहुत अच्छा शॉट खेला है, 6 रन, 6 रन के लिए खेल दिया है, अंपायर का इशारा देखेंगे। बिल्कुल, पहली ही बॉल फेस की थी और इट वाज अ फुल लेंथ डिलीवरी जिसको उठाकर फेंका डीप मिड विकेट की बाउंड्री के ऊपर से और 6 रन हासिल किए। बॉल करने आए, बॉल की उजैर बॉल कर रहे हैं और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, 1 रन का मजीद इजाफा अल मुस्तफा की ट्वीट के रन में इजाफे के साथ टोटल स्कोर। बॉल की बहुत अच्छा शॉट खेला, उठता हुआ शॉट, देखते हैं क्या होता है, आउट होते हैं या बाउंड्री, और बहुत आला कैच फहद जब्बार का। फहद जब्बार बेहतरीन क्रिकेटर हैं और ये मेमन लीग के अंदर बहुत ही फेमस हैं। फहद जब्बार ने अनबिलीवेबल कैच किया है जो कि सूरज के सामने भी था, बड़ा डिफिकल्ट था, बट फिर भी जज किया और कैच किया, बेहतरीन कैच। और अ ब्रिलियंट कैच बाय फहद जब्बार, काफ़ी ऊंची चली गई थी बॉल, दिन में तारा बन गई थी, लेकिन अहमद जब्बार बड़ी खूबसूरती से बॉल के नीचे आए, डीप मिड विकेट से एक और फील्डर भी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, लेकिन वो घबराए नहीं, फोकस देखें जो प्लेयर्स होते हैं जो कंटिन्यू खेल रहे होते हैं उनका बड़ा ज़बरदस्त फोकस होता है, और उन्होंने इसको फोकस रखते हुए बॉल के ऊपर और एक हाथ से ग्रिप किया और कैच किया। वलीद ने अपनी पहली विकेट हासिल की, अदनान खान गोइंग बैक, इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। Right, ladies and gentlemen, the first semi-final is underway. और इस वक्त दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अल मुस्तफा स्टेट के 13 के स्कोर पर, they would want to do better at this stage. इनको थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा क्योंकि स्कोर जो है दूसरा ओवर का खेल जा रही है बहुत कम है। बहुत अच्छा शॉट मेहरान का, उठता हुआ शॉट देखते हैं, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में और सिर्फ 1 रन का इजाफा, कोई खातिर खा शॉट्स देखने को नहीं मिल रहे जिस तरह ये पहले खेल रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से एक लाइव टेलीकास्ट एक्सपोजर भी होता है और एक सेमीफाइनल है पहला, उसका एक प्रेशर भी होता है। एक बार फिर फुल लेंथ डिलीवरी जिसको वह खूबसूरत अंदाज में ड्राइव किया थ्रू द कवर्स और 2 रन हासिल किए, इसके साथ दूसरे ओवर का इख्तिताम हुआ चाहता है, इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नाइंथ डेफक्लेरिया सुपर लीग 2022 का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है मोइन खान अकेडमी में, अल मुस्तफा और प्रॉपर्टी ट्रेड सेंटर और अहमद स्टेट मरकज और जियो स्टेट की टीमों के दरमियान
दो विकेटें गंवा दी हैं यहाँ पर अल मुस्तफ़ा ने। सो एक छोटी सी पार्टनरशिप लग जाए अग्रेसिव सी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा अल मुस्तफ़ा के लिए। बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा क्रूशियल टाइम है, विकेट भी लूज़ कर गए और कोई ऐसा रन का इजाफा नज़र नहीं आ रहा कि आगे जाकर लंबा स्कोर दे सकें, लंबी टारगेट दे सकें। इसमें भी क्रेडिट सलीम जाता है बॉलर्स को जिन्होंने बड़ी तिक्खी बॉलिंग की है, अभी तक जड़ों में फंसा कर रखा है, रूम नहीं दिया है हाथ खोलने का। जिसे कहते हैं ना टिपिकल एक लैंग्वेज है टेप बॉल की कि ब्लॉक हॉल में बॉल करते हैं जहाँ पर बैट्समैन उनको खुल के खेल नहीं सकता। तो ये जैन अनवर बेहतरीन बॉलर, बहुत अच्छी बॉल का मुजाहरा करते हैं, बहुत अच्छा शॉट खेला मेहरान ने सीधा फील्डर के हाथ में, एक रन का इजाफा। जैन स्टार्टिंग विद अ शॉर्टर लेंथ डिलीवरी, सरप्राइज किया मेहरान को वहां पर। अंपायर बैट्समैन को तलकीन कर रहे हैं कि प्लीज दूसरा बैट मंगवा रहे हैं। ये भी टिपिकल अंदाज है टेप बॉल क्रिकेट का सलीम, एट टाइम्स बैट्समैन को मजा आता है बैट चेंज करने में बैट चेंज करने में और बॉल भी चेंज करवाता है बैट्समैन की, बॉल की जो है टेप ग्रिप खत्म हो गई है इसको फौरन चेंज करें, क्योंकि एक बड़ा जबरदस्त ट्रेंड है बैट्समैन की तरफ से प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। टेप बॉल क्रिकेट में एक एक ओवर में दो दो बार भी आप देखते हैं बॉल को चेक करता है बैट्समैन। जी बिल्कुल दानिश, आपका बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है, आप लाइव कमेंट्री तो करते हैं लेकिन आप टेप बॉल की मेरे ख्याल में इवेंट्स को बड़ा इंजॉय करते हैं, क्योंकि कराची का एक हुसन है जहाँ टेप बॉल की क्रिकेट बहुत देखी जाती है। पाकिस्तान भर में सर टेप बॉल क्रिकेट का बहुत ज़्यादा रुझान है, कोई ही शायद पाकिस्तानी होगा जिसने टेप बॉल क्रिकेट नहीं खेली होगी। शानदार शॉट खेला है इस बार, एक बार फिर रिजैन ने शॉर्ट पिच डिलीवरी कराई, वो सरप्राइज कि इससे पहले भी शॉर्ट पिच डिलीवरी कराई थी, जड़ों मराना होगा, रूम के लिए क्रैम करना होगा जैन को। बॉल की बहुत अच्छा उठता हुआ शॉट, अपे शॉट लेकिन एक रन का इजाफा फील्डर के हाथ में। फील्ड प्लेसिंग मेरे ख्याल में जियो स्टेडियम मरकज की बहुत अच्छी है और अकॉर्डिंग टू द बॉलर फील्ड प्लेसिंग की भी है, बैट्समैन को कोई गैप शॉट खेलने का मौका नहीं मिल रहा। दानिश क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है और उसके बावजूद अब स्कोरबोर्ड कुछ हमें चलता हुआ नजर आ रहा है कर्टसी दैट सिक्स व्हिच केम इन द प्रीवियस डिलीवरी। जैन अनवर रनर अप पे बॉल करने तैयार और अंपायर का इशारा देखेंगे, आई थिंक ए वाइड बॉल, एक रन का मजीद इजाफा अल मुस्तफ़ा की टीम में। जहाँ जहाँ टेप बॉल में थोड़ी सी ज़्यादा जान लगती हुई नज़र आती है वहाँ डिसिप्लिन में भी कमी नज़र आती है और टेप बॉल क्रिकेट का ये भी एक खासा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब स्कोर ज़्यादा होने लगता है तो फील्डिंग साइड से भी एग्रेशन आना शुरू हो जाता है ताकि एक प्रेशर बिल्डअप किया जाए, ये एक टैक्टिस होती है टेप बॉल की। और इस बार मेहरान ने उठाकर फेंका है, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, द कनेक्शन वॉज अ गुड वन, पूरा आर्म घुमाया अपना और उसकी ताकत से बॉल को पहुंचाया स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट मेहरान का, बड़ा जबरदस्त जज किया है और भरपूर शॉट खेला है और बाउंड्री के बाहर। मेहरान अभी तक खासे खामोश नजर आ रहे थे, मुझे लगता है कि मेहरान जो है वो कराची से मेहरान तक बॉल को फेंकना चाहते हैं, भरपूर शॉट मारते हैं और इतना लंबा छक्का मारते हैं कि बॉल नज़र नहीं आती। चाहते तो हैं, अब होता है या नहीं होता ये देखना होगा, हाथ तो खुले हैं मेहरान के, अब यहाँ से कैसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और जैन किस तरह का कम बैक करते हैं। अभी तक का काफ़ी वेरिएशन दिखाई है इन्होंने अपनी लेंथ में, कभी शॉर्ट कर रहे हैं कभी फुल कर रहे हैं। दानिश जैन से बॉलर नहीं है, एक बेहतरीन बैट्समैन भी है, इन्होंने 78 रन जो है इंडिविजुअली स्कोर था प्रीवियस मैच में और शॉट खेला है, देखते हैं। आउट फील्ड बहुत स्लो है, फील्डर मौजूद हैं और थ्रो भी ज़बरदस्त किया है, एक रन का इजाफा। टेप बॉल क्रिकेट में आप शॉर्ट पिच बॉलिंग खासी महंगी पड़ सकती है आपको सलीम, अगर आप गुड लेंथ पे बॉल करते हैं या जड़ों मर ब्लॉक होल में फंसा कर बॉल करते हैं तो बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दानिश, बॉलर का जो है वो एक्सपर्टी यही होती है कि बॉल जो है बिल्कुल नीचे रखी जाए ताकि शॉट उठा के ना खेल सकें, लेकिन बैट्समैन जो होते हैं वो हर बॉल को जो है वो छक्के की कोशिश करते हैं, जो कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। बहुत अच्छा शॉट खेला है और 6 रन के लिए खेल दिया है। That was beautifully played, इतना ज़्यादा रूम था नहीं उनके पास लेकिन कलाइयों की मदद से शॉट खेला, ये जस्ट एक टाइम किया है इसको और पावर प्ले नहीं था टाइम प्ले था ये, और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम किया है लाइक अ प्रोफेशनल प्लेयर। बेसिकली दानिश गर्मी भी शदीद है और ये हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं ये डेफलरियंस हैं, ये प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है तो ये एटमॉस्फेयर इनके लिए बड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता, गर्मी शदीद है
तो लेकिन ये प्लेयर्स खेल रहे हैं, बड़ी बात है। एट द सेम टाइम ये पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो सड़कों पर गर्मियों में बड़े शौक से क्रिकेट खेलते हैं। सलीम आपको भी याद होगा, वैसे तो अभी भी बचपना चल रहा है लेकिन आज से 5-6 साल पहले जब वाकई में बचपना था तो आप भी धूप में आपने बड़ा रंग काला किया होगा। दानिश, जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो जब हम अपने घर में दाखिल हुआ करते थे तो हमारे घर वाले हमें पहचानने से इनकार कर दिया करते थे क्योंकि हमारा कलर बदल चुका होता था। तो लेकिन बट ये क्रिकेट का हुसून है, रमज़ान जो होते थे हमारे वो नाइट मैचेस में और दिन जो है हमारे डे मैचेस में गुजारा करते थे रोज़े रख के। ठीक, चेंज ऑफ बॉलिंग, उज़ैर बलोच खुद आए हैं अब बॉलिंग करने के लिए। कप्तान हैं अहमद स्टेट मरकज़ और जियो स्टेट के और अच्छा मूव करना शुरू हुआ है स्कोरबोर्ड इस वक्त। दो खिलाड़ियों के नुकसान पर हतसत मना चुकी है पीटीसी की टीम। उज़ैर बलोच बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, देखते हैं कि सेमीफाइनल में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। राइट, उज़ैर टू मेहरान, बहुत अच्छा उठता हुआ शॉट, देखते हैं कैच और कैच ड्रॉप कर दिया। फुल टॉस थी, भरपूर तरह से फायदा उठा नहीं पाए मेहरान इस लूज डिलीवरी का और टॉप एज लगा। द बॉल वाज स्पिनिंग क्वाइट अ लॉट और यही वजह है कि बॉल हाथ से उछल कर बाहर आ गया क्योंकि टॉप एज लगा था। अच्छा दानिश, कैच ड्रॉप करने का मतलब है कि मैच भी लूज कर सकते हैं आप, कैच विन द मैच, ये फॉर्मेट तो आपने बिल्कुल सुना होगा और हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि जो कैच ड्रॉप करता है तो फिर एंड में उसको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। देखते हैं कि उज़ैर बलोच अगली बॉल कैसी करते हैं। बहुत अच्छी बॉल और फील्डर भी मौजूद, देखते हैं दो रन होगा, दो रन का इजाफा, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तेज रनिंग की है जिसका रिजल्ट दो रन के इजाफे के साथ। बिल्कुल, एक बार फिर शरियार खान ने कलाइयों की मदद से खेला, इस बार पाइन लेग की जानब और दो रन हासिल किए। एक और फुल टॉस डिलीवरी थी, शरियार वुडंट रियली बी हैप्पी विद दैट क्योंकि फुल टॉस पर दो रन भी कम लगते हैं। कैच हो गया, 6 रन के लिए खेल दिया है उज़ैर बलोच को। शहरयार ने जो है बहुत अच्छा शॉट खेला, उठता हुआ शॉट और बाउंड्री से बाहर। वही सलीम जो मैं कह रहा था कि फुल टॉस डिलीवरी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और इस बार शहरयार ने भरपूर फायदा उठाया इस फुल टॉस डिलीवरी का। एक बार फिर देखें, ज्यादा जोर से नहीं मारने की कोशिश करते, कलाइयों का इस्तेमाल करते, बिल्कुल रिस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और टाइमली खेल रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते रहे ये। देखते हैं उज़ैर बलोच बॉल करने आए, चेंज ऑफ पेस, बैट्समैन बीट हुआ और स्लोअर शॉट डिलीवरी थी। अमूमन हम हार्ड बॉल क्रिकेट में अब इसको डेवलप होते हुए देख रहे हैं लेकिन टेप बॉल क्रिकेट में भी इस्तेमाल की जाती है और चकमा दे दिया था शरियार। बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाइड बॉल। हमारे इस इवेंट को जो है बेसिकली जिन्होंने स्पॉन्सर्स किया है, कोई भी इवेंट जो है स्पॉन्सर्स के बगैर कामयाब नहीं होता। हमारा जो ये DSL 9 है, बहुत अच्छा शॉट, उठता हुआ शॉट लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए बाउंड्री भी सेफ की और लेकिन सिर्फ दो रन बना सके, दो रन उन्होंने सेव भी कर लिए। हमारे जो टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं दानिश, GFS बिल्डर, रिनॉन नेम पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके प्रोजेक्ट्स हैं और 7 Wonder City इनका बेहतरीन प्रोजेक्ट है और इनके जो CEO हैं इरफान वाइज साहब बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं और वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और स्पोर्ट्स लवर हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं टाइटेनियम स्पॉन्सर के लिए। बॉल की उज़ैर बलोच ने बहुत अच्छा शॉट खेला, टाइमली शॉट खेला है, देखते हैं कैच होता है। फहद जब्बार और फहद जब्बार जज नहीं कर सके बॉल को। मायूस उज़ैर बलोच जो कि कैच ड्रॉप हुआ। दानिश जो है वो अभी 2-3 मिनट के ब्रेक के लिए पे हैं और मैं आप लोगों के साथ अभी मौजूद होंगे और दानिश अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। उज़ैर बलोच 54 का मजमू स्कोर, प्रॉपर ट्रेड सेंटर एंड मुस्तफ़ा की टीम। चार ओवर का खेल
चौथा ओवर जारी है, 3 ओवर हो चुके हैं, 54 का मजमू स्कोर अल मुस्तफ़ा की टीम का। जुहैर बलोच ने बॉलिंग की और ग्राउंड शॉट जैन ने बहुत अच्छी फील्ड का मुजाहरा करते हुए सिर्फ एक रन दिया और ओवर का अख्ताम 4 ओवर के मजमू स्कोर पे। मजमू तौर पर जो अल मुस्तफ़ा की टीम का स्कोर है फोर ओवर्स 53 का टोटल स्कोर 56। पानी का वक्फा, गर्मी शदीद है। टैफ्लेरिया जो है अपने टैफ्लेरियंस के लिए हमेशा प्लेटफॉर्म मुहैया करती है स्पोर्ट्स के हवाले से और TSL 9 एडिशन हमारा ये टैफ्लेरिया सुपर लीग एडिशन 9 जारी है। आज पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है मोइन खान एकेडमी में। टैफ्लेरिया बेसिकली डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल इस्टेट एसोसिएशन है जो कि डिफेंस एंड क्लिफ्टन में एग्जिस्ट करती है और ये एक इलेक्टेड जो एसोसिएशन है ये इलेक्टेड एसोसिएशन है। ये हर 2 साल के बाद एक इलेक्शन होता है, उसी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करके ये टीम मेम्बरान जो हैं 30 टीम मेम्बरान जो हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं और अपने टैफ्लेरियंस को सर्व करते हैं जिसमें हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं। और हमारे प्रेसिडेंट जुबैर बेग साहब जिनका मोटिव ये है कि काम सिर्फ काम। स्पोर्ट्स अकेडमी इमरान राजपूत उसका ये डोमेन जो स्पोर्ट्स का ये इवेंट करा रहा है हम उसको खराज तहसिन पेश करते हैं। अपने तमाम डेफ्लेरियंस को हम कहते हैं कि वो इस ग्राउंड में आएँ और आकर फैमिली के साथ इंजॉय करें। ये एक फैमिली इवेंट है, डेफ्लेरिया का एक आइकॉनिक इवेंट है और डेफ्लेरिया इसको हर 2 साल बाद कॉन्टेक्ट करती है। तो डेफ्लेरिया जिंदाबाद। वकार अनवर बॉल करने आए और कवर पे खेल दिया है, 1 रन का इजाफा देखने में। ठीक है, अब मैं थ्रो करता हूं दानिश को। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साहब। मैं इस वक्त मौजूद हूँ साइड लाइन्स पे राजा मज़हर हुसैन साहब के साथ हु इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ डेफ्लेरिया। हम सब यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को। राजा साहब आई एम श्योर इस साल आप और ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, सिर्फ इंजॉय करना है। बिल्कुल आपने सही कहा। लास्ट टाइम जब ये टेलीकास्ट हुआ था तो उस वक्त मैं प्रेसिडेंट था तो डेफिनेटली मेरे पास काफ़ी जिम्मेदारियां थी और सारी चीज़ों को मैं देख रहा था। तो इस दफ़ा मैं बड़ा रिलैक्स होकर मैच एंजॉय कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि ये जो मैच है ये हम अपने डिफ्लेरियंस के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं या जो हमारे ऑफिस ऑनर होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं ये स्पेशली उनके लिए होता है। तो हमारा एक स्कूडनी का अमल है कि जो हम इस जितने भी टीमें खेलती हैं स्कूडनी का अमल जो हम उसको करते हैं ताकि कोई बाहर का आउटसाइडर जो कि नॉन रेल्टर्स है वो ना खेले या नॉन रेल्टर्स का बच्चा ना कोई खेले। तो लिहाजा इसकी जो फॉर्मेट्स है वो ये है और ये प्योरली जो है हमारे जो प्रोफेशन से लोग व्यवस्था हैं उनके लिए है और उनके बच्चों के लिए है। राजा साहब लेकिन पूरा साल मेहनत करने के बाद रिवॉर्ड करने का भी क्या खूबसूरत तरीका है ये, क्योंकि अमूमन लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी बोनसेस मिल जाएंगे या किसी पिकनिक पे ले जाया जाएगा। ये एक 4-डे गाला ऑर्गेनाइज कराया जाता है तमाम डिफेंस और क्लिफ्टन एरिया के रियल स्टेट एजेंट्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए ज़बरदस्त कदम। बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि ये आपको मैं बताऊँ डिफेंस एंड क्लिफ्टन नहीं है, इसमें इस वक्त जो है ना हमने पूरी कराची के जो रियल्टर्स हैं हमने उनको मधु किया हुआ है। वो इवन के जो बहरिया में तब भी वो नॉर्थ नाजमाबाद में गुलशन मेमार में MDA में नाजमाबाद में स्कीम 33 स्कीम 42 स्कीम 45 जहाँ के भी रियल्टर्स हैं हमने उनको सबको यहाँ मधु किया कि ये आप फैमिली के साथ आएँ और ये देखें। तो मेन चीज़ ये होती है कि ये इवेंट स्पोर्ट्स का है और आपको पता है कि हमारा कौमी खेल तो हॉकी है लेकिन हम एज ए नेशन जो है वो क्रिकेटर लवर हैं और क्रिकेटर्स की से हमारी बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है। और आपने देखा कि जैसे लास्ट जो यस्टरडे जो हुआ हमारा मैच वो भी पाकिस्तान टीम ने एक रिकॉर्ड बीट किया कि ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में 1 डे में इतने हाई स्कोर पर जो है ना डिफीट किया। राइट, यहाँ पर दोनों टीमों के लिए भरपूर सपोर्ट भी है और जैसे राज साहब कह रहे हैं कि फैमिलीज भी ज्वाइन करेंगे। हमें इस वक्त खासी ज़्यादा गर्मी है, थोड़ी देर में हम श्योर क्राउड भी आना शुरू हो जाएगा। राजा मज़हर हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपका, आगे भी सर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह और इवेंट यकीनी तौर पर आप एंजॉय कर रहे होंगे। होपफुली आप सब भी स्क्रीन्स के उस पार एंजॉय कर रहे हैं। यू कैन ऑलवेज कम हियर एंजॉय द मैच लाइव। शाम को मैं कहूंगा कि तमाम जो फैमिलीज मेंबर्स हैं अपनी फैमिलीज का बच्चों के साथ किड्स के साथ आएं, उनके
लिए भी यहाँ पे अरेंजमेंट है, यहाँ पे जंप कैसे लिए, वो सब चीज़ें हमने आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है। तो तमाम फैमिलीज़ को मैं ऑन एयर ये कहूँगा कि आप आएँ, इस वक्त डेफिनेटली गर्मी है जैसे दानिश ने कहा, मैं भी इसको चीज़ को कहता हूँ, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी गर्मी कम हो, आप तमाम फैमिली से रिक्वेस्ट है कि यह मोइन खान अकेडमी DHA जो क्लब है स्पोर्ट्स, इसमें आप आएँ और ये आपके ही लिए सजाया गया, इस गाले को ज़रूर इन्जॉय करें। राइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ डेफ्लेरिया राजा मज़हर हुसैन, बैक टू द कॉम बॉक्स। थैंक यू वेरी मच दानिश। मैच का फॉर्मेट अभी जारी है, वकार बॉल कर रहे हैं, दूसरा रन लेने के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन बहुत अच्छा थ्रो किया वकार ने, एक रन का इजाफा। अल मुस्तफ़ा एसोसिएट प्रॉपर्टी ट्रेड सेंटर की टीम इस वक्त मुश्किलात का शिकार, कोई खातिर खा बैटिंग का मुजहरा नज़र नहीं आ रहा, बाउंड्रीज नहीं लग रही, क्योंकि वकार जो है एक बेहतरीन बॉलर हैं और उनकी स्पेशलिटी है कि ब्लॉक हॉल बॉल करते हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन खेल नहीं पाता। डेफ्लेरिया DSL 9 जो है ये हमारा डेफ्लेरिया सुपर लीग, जिसको स्पॉन्सर्स किया है हमारे GFS बिल्डर टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं। और हमारे टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं अली सकलैन, प्रोग्रेसिव बिल्डर रिनॉन नेम इन बैरिया टाउन, ये हमारे टाइटेनियम स्पॉन्सर्स हैं। अथर एसोसिएट हमारा प्लाटिनियम स्पॉन्सर्स है, मियां अथर CEO अथर एसोसिएट। हमारे साथ गोल्ड स्पॉन्सर्स कैलिफोर्निया रियल एस्टेट होमलैंड, जिन्होंने ये गाड़ी विनिंग टीम के लिए दी है और 5 मोटरसाइकिलें दी हैं। जावेद ओके बिल्डर्स, जवानी बिल्डर्स, वॉल स्ट्रीट, नोवा सिटी, रियाज एंड तालू बिल्डर्स और कायनात एसोसिएट और DHA, ये हमारा गोल्ड स्पॉन्सर्स है डेफ्लेरिया सुपर लीग एडिशन 9 का। ये उससे भी ज़्यादा खुशाइन बात है, आई हैव मेड माय वे बैक टू द कॉम बॉक्स। ये खुशाइन बात नहीं है, खुशाइन बात ये है सलीम कि एक तरफ तो रिवॉर्ड दिया जा रहा है इनको, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके कि ये इन्जॉय करें इस गाला को, इनकी फैमिलीज इनको इन्जॉय करें, और उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो गाड़ी और मोटरसाइकिल्स भी हैं तोहफे में। वाह भाई, देखिए दानिश, ये एक रियल्टर्स का जो है इवेंट है और माशाल्लाह से रियल्टर्स वेल ऑफ हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, एक प्रोफेशनली अप्रोच के साथ वर्कआउट करते हैं, तो अट्रैक्शंस देनी पड़ती हैं, और गाड़ी जो है एक ऐसा अट्रैक्शन है कि जो हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं विन करूं। 32 टीम्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रही थी DSL 9 के अंदर, अब देखते हैं कौन खुश नसीब है कि वो ये गाड़ी लेके जाएगा। एक और शानदार शॉट मेहरान खा, इस बार उठाकर फेंका लॉन्ग ऑन के ऊपर से और 6 रन हासिल किए। इट्स 69 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स राइट नाउ। मेहरान अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं। 5 ओवर्स एंड 63 रन्स ऑलमोस्ट सफा की टीम। बॉल की और बीट किया है, बैट्समैन समझ नहीं सके। मेहरान बहुत अच्छा बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। दानिश, आपको कैसा लग रहा है ये जो टेप बॉल का एक ऐसा टूर्नामेंट जैसा इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट होता है? एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हो चुकी है अहमद स्टेट की टीम। बाउंड्री लाइन पे कैच किया है, बाउंड्री भी सेव की और विकेट का एक नुकसान अल मुस्तफा की टीम को, जो कि बहुत भारी साबित होगा क्योंकि अल मुस्तफा की टीम की मुसलसल विकेटें गिर रही हैं और मेहरान इनके बेहतरीन बैट्समैन वो आउट हो गए पवेलियन की जानिब। सलीम, एक अच्छी बात यह है कि ये टीमें एक प्लान के साथ खेल रही हैं। आप देखें, छठा ओवर चल रहा है, मेहरान के पास और कोई चॉइस नहीं थी, उनको मारना था, सो यहाँ पर विकेट बचाकर ज़्यादा फ़ायदा नहीं है अल मुस्तफा को, रन्स बनाकर। दानिश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ओवर्स जो होता है वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है और 8 ओवर का फॉर्मेट है और स्कोर जो है टारगेट इतना ज़्यादा नहीं है, एग्रेशन दिखाना पड़ेगा बैट्समैन को हिटिंग करनी पड़ेगी, बाउंड्रीज लगानी पड़ेगी, एक अच्छा टारगेट सेट करेंगे क्योंकि अगली टीम के बैट्समैन बहुत ख़तरनाक है दानिश, जो 100 का टारगेट भी ईजिली चेस कर सकते हैं। डरा रहे हैं या बता रहे हैं? मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस टूर्नामेंट को 4 दिन से जो है कंडक्ट कर रहा हूँ और हर टीम के प्लेयर्स को, हर टीम के फॉर्मेट्स को बेहतरीन जानता हूँ।
बेशक सलीम साहब आप जानते होंगे, लेकिन जो सपोर्टर हैं इस वक्त बैटिंग टीम के, वो तो डर रहे होंगे ना कि यार अगलों की बैटिंग इतनी तगड़ी है, एटलीस्ट 50 रन तो और आने चाहिए। ढाई ओवर में 50 रन आते हैं वैसे। अगर देखा जाए तो ये इनको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि स्कोर अच्छा कर लें तो मैच में रहेंगे। क्या समझते हैं आप, 50 रन आ जाए मजीद ढाई ओवरों में तो मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा, 119 तक पहुंच जाएगा स्कोर? देखिए मैच इस वक्त बड़ा जबरदस्त जा रहा है, ढाई ओवरों में कम से कम इनको जो है 40-50 रन करना होगा, और मुझे लगता है कि बैट्समैन ने बात सुन ली हमारी। पहला छक्का तो आ गया है और 6 रन का इजाफा अल मुस्तफा की टीम, लेकिन बॉलिंग जो है ये दो ओवर बहुत ही अहमियत के हामिल हैं जियो स्टेडियम मरकज के लिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 6 ओवर किए हैं बहुत ही उमदा ओवर किए हैं, ये दो ओवर में अगर रन ज़्यादा चले जाता है तो जियो स्टेडियम मरकज मुश्किलात का शिकार हो सकती है। क्लास शॉट सीधा कमेंट्री बॉक्स के पास, बॉल गिरी आगे, बहुत ही लंबा छक्का। आज भी बॉल अपनी तरफ आती है तो दिल उछल के बाहर आ जाता है, एक्साइटेड हो गया था मैं कि शायद मैं कैच कर लूं, लेकिन हमसे थोड़ी सी दूर गिर गई बॉल। मुझे लगता है दानिश आपने भी क्रिकेट बहुत खेली है, शौक ज़रूर पूरा किया हर पाकिस्तानी की तरह सलीम। बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ कि हर यंगस्टर को जो है वो सबसे पहला पैशन उसका क्रिकेट होता है, और वो क्रिकेट लवर ज़रूर होता है, अगर खेलता नहीं तो देखता ज़रूर है। जब से क्रीज पर आए हैं अग्रेशन का मुजाहरा किया है, इस दौरान 3 विकेटों के नुकसान पर 81 रन आफ्टर 6। एक दो बॉलें मंगा लें। 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और स्कोर अल प्रॉपर्टी सेंटर एंड अल मुस्तफा एसोसिएट 81 के स्कोर पर, मजमूई स्कोर इनका 81 है। देखते हैं कि ये दो ओवर जो है मजीद कितना स्कोर कर पाते हैं, मेरे ख्याल से स्कोर जो है 100 अबव हो तो कुछ फाइटिंग मैच हो सकता है। दानिश क्या कहते हैं आप? ये जो छठा ओवर था ये बहुत ही ज़बरदस्त रहा पीटीसी के लिए, और अगर ऐसे ही मजीद दो ओवर आ जाएं तो स्कोर 115-120 तक ले जाना इतना मुश्किल नज़र नहीं आ रहा। जी दानिश आप सही कह रहे हैं, इस ओवर में इन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर किया है, और इसी तरह के अगर दोनों ओवर इनके मिलते हैं, इनको बॉलर्स अगर इस तरह के लूज मिलते हैं स्कोर कर जाते हैं तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, फाइटिंग मैच होगा, और तमाशाइयों को इस मैच में मज़ा आने वाला है बहुत। TSL 9 डेफ्लोरिया सुपर लीग एडिशन 9 जारी है 4 दिन से, और ये जो हमारा 4th दिन है सेमीफाइनल, 2 सेमीफाइनल्स हैं हमारे, आज पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है, सेकंड सेमीफाइनल के बाद खेला जाएगा, और शाम 7 बजे फाइनल खेला जाएगा, और उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी भी है हमारी। और ये तमाम तर मैचेस आप जियो सुपर पर बराह रास्त नशर होते हुए देख सकेंगे। बहुत अच्छी बॉल जैन की, और बॉल को बैट्समैन बिल्कुल नहीं समझ सके। मॉडर्न डे क्रिकेट में एक हथियार सा बन गया है ये बॉल, आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कलैंड डिलीवरी। क्रिकेट जो है टेप और बॉल जो है वो ज़्यादातर लेग साइड पे खेली जाती है, और कवर पे खेलने के लिए बहुत मुश्किल होती है बैट्समैन को, तो बॉलर जो है वो ऑफ स्टंप पे बॉल रखता है ताकि बैट्समैन जो है उसको हिट ना कर सके। इस बार जैन बहुत जोर से शॉट मारना चाहते थे लेकिन बॉल को मिस कर गए, जड़ों में आया था सीधा बॉल, गुड डिलीवरी बाय जैन। जैन जो है वकार अनवर के छोटे भाई हैं, और वकार एक मंजे में बॉलर है, जैन ने भी अपने भाई को फॉलो करते हुए बॉलिंग के अंदर वही फॉर्मेट अप्लाई किया है जो इनके भाई वकार करते हैं, जड़ के अंदर बॉल करते हैं, टेप बॉल की जो है टिपिकल लैंग्वेज है ब्लॉक होल जिसको जड़ में कहा जाता है। और दानिश आप क्या कहेंगे, टेप बॉल में और हार्ड बॉल में बड़ा डिफरेंस है, और अब टेप बॉल तो इतनी प्रमोट हो रही है कि अब वो लाइव टेलीकास्ट भी होता है और बड़े बड़े इवेंट्स होने जाते हैं टेप बॉल के, जो कि एंजॉय करते हैं क्रिकेटर्स, और इनको बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है टेप बॉल क्रिकेट खेलने वालों को। एक बार फिर जड़ में खूबसूरत डिलीवरी जैन की, लेकिन उसको उठाकर जड़ में से पुल किया और 6 मारा। रिस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हुए इन्होंने स्ट्रेट में खेला है, बहुत ही स्मूथली छक्का, कोई मुझे इसमें पावर नजर नहीं आई, सिर्फ टाइम किया इन्होंने। अनबिलीवेबल शॉट दैट, बिल्कुल फ़र्क बहुत है टेप बॉल क्रिकेट में और हार्ड बॉल क्रिकेट में, एक बेसिक फ़र्क डिसिप्लिन का है, चाहे वो बैटिंग डिसिप्लिन हो या बॉलिंग डिसिप्लिन हो, टेप बॉल में बहुत कुछ चल जाता है। जी बिल्कुल दानिश आप सही कह रहे हैं, बॉल कराने आए और तीसरा छक्का, जैन का अनवर, जैन अनवर जो हैं वो बहुत ही महंगे साबित हो रहे हैं अपनी टीम के लिए, बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हैं, लेकिन शायद अभी बैट्समैन उनको समझ चुके हैं,
वो थोड़ा बॉल पीछे कर रहे हैं, जिसको आप भरपूर फायदा उठा रहे हैं बैट्समैन, और उन्होंने 3 छक्के लगा दिए। ग्राउंड से बाहर उठाकर फेंका इस बार बैट्समैन ने, व्हाट अ शॉट दैट वाज। दानिश आपका माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है, टेप बॉल को अब बहुत लोग प्रमोट करते हैं, इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े जो हैं टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, टेप बॉल को बिल्कुल उसी तरह जो है प्रमोट किया जा रहा है जिस तरह हार्ड बॉल्स के मैचेस को प्रमोट किया था। मोइन खान एकेडमी में ये इवेंट जारी है, ये इस बात का सबूत है कि टेप बॉल मोइन खान एकेडमी में जो है ये टूर्नामेंट DSL 9, हम हमेशा हमारा फॉर्मेट ये रहा है कि हम यहाँ पर करवाते हैं शॉट, लेकिन देखते हैं कि कैच होता है कि नहीं, और ये कैच कर लिया है जैन अनवर ने, और विकेट का नुकसान। बहुत अच्छा खेल रहे थे, 3 छक्के लगा चुके थे, लेकिन ये अभी इस वक्त विकेट सेव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बनिस्बत स्कोरिंग के, स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। 56 रन बनाकर शहरयार खान पवेलियन वापस जाते हुए जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया शहरयार खान ने, पिच के चारों तरफ बड़े शॉट्स खेलते हुए दिखाई दिए। बढ़िया, नो अदर ऑप्शन सलीम, या तो मारना था या तो जाना था। देखें इन्होंने एटलीस्ट ट्राई की, जिसका रिजल्ट ये निकला कि ये 3 छक्के लगा चुके, 18 रन इन्होंने बनाए, और बहुत अच्छी बैटिंग की। ये एक ज़रूरत थी इस वक्त इनकी टीम को, जिन्होंने ये ज़रूरत पूरी की और अपनी टीम को एक अच्छा स्कोर देने में कामयाब हुआ। हमारे टाइटेनियम स्पॉन्सर्स GFS बिल्डर, अलीसा क्लैन प्रोग्रेसिव बिल्डर्स, हमारा प्लैटिनम स्पॉन्सर हमारा अथर एसोसिएट, मियां अथर CEO अथर एसोसिएट। स्टंप माइक पे हमें प्लेयर्स बॉलर को बकअप करते हुए भी सुनाई दिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 2 छक्के लग जाते हैं, टेंशन नहीं है, ये आवाज़ें आ रही थी हमें। बिल्कुल, देखें बॉलर जो होता है अगर वो 2-3 छक्के खा लेता है तब वो अपने ट्रैक से भी हट जाता है और उसका कॉन्फिडेंस भी शेक होता है, तो उसको पकअप ज़रूरी होता है, और टीम कॉम्बिनेशन भी इसी को कहते हैं कि बॉलर को पकअप करें ताकि बॉलर अपने फॉर्मेट पे दोबारा आए। राइट, 7वें ओवर की आखिरी बॉल 94 PCT, क्या इस बॉल पर 100 होगी? देखते हैं इस बॉल पर जो है 100 होता है कि नहीं, वकार जैन कामयाब होते हैं या बैट्समैन। शॉट उठता हुआ शॉट वकार बॉल के नीचे, और वकार जिस तरह मशहूर हैं बेहतरीन क्रिकेटर, उन्होंने इस कैच को ड्रॉप नहीं किया, यकीनन कैच विन द मैच। बिल्कुल, कोशिश पूरी की थी बैट्समैन ने लेकिन पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, सही तरह से टाइम नहीं कर पाए इस शॉट को। ऑल ही कुड मैनेज वाज गिवन इजी कैच टू लॉन्ग ऑफ। दानिश, ये हमारा DSL 9 जो है ये डेफलेरिया का एक ऐसा इवेंट है जिसमें तमाम डेफलेरियंस जुड़ते हैं, ये हमारा एक बिजनेस हब भी है, हमारी कम्युनिकेशन भी होती है, हमारा बिजनेस भी प्रमोट होता है, और मैं कहता हूँ कि डेफलेरिया डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन एक बेहतरीन इवेंट हर साल कराती है, और इस इवेंट का एक ट्रेंड सेट हुआ है हमेशा कि मोइन खान अकेडमी ही ये इसका वेन्यू होता है, यहीं ये टूर्नामेंट हम कराते हैं ताकि हम अपने डेफलेरियंस को बेहतरीन हेल्दी और बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, और वो तमाम डेफलेरियंस जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो तमाम तमाशाई जो उसको देखने आते हैं इसको एंजॉय करें। अ क्विक वाटर ब्रेक फॉर द अंपायर्स, क्योंकि जैसे हम काफ़ी दफ़ा मेंशन कर चुके हैं आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। दानिश, आई थिंक टेम्परेचर 40 क्रॉस हो चुका होगा इस वक्त, वेरी हॉट, लग तो ऐसे ही रहा है। आई थिंक फ्राइडे जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी लगती है, हमेशा फील होता है, और इस वक्त ओपन एरिया है, सूरज सर पे है, प्लेयर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, अंपायर्स हमारे जो हैं प्रोफेशनल अंपायर्स हैं वो मैच को कंडक्ट कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, लेकिन गर्मी बिल्कुल बरहक है कि गर्मी शदीद है इन दोनों टीमों के लिए। इनफैक्ट चारों टीमें जो हमें आज सेमीफाइनल में नज़र आएंगी उनके लिए खुशाइन बात यह है कि आपको सेमीफाइनल्स खेलने हैं 1 बजे तक, उसके बाद आपके पास 4 से 5 घंटे का टाइम होगा कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, काम डाउन हो सकते हैं, घर जाकर नहाकर भी वापस आ सकते हैं रिफ़्रेश होकर, और फिर फाइनल के लिए तैयारी कर सकते हैं। दानिश, सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग तो हमारे लिए कि जुम्मे की नमाज, जब ये ब्रेक होगा हम नमाज़ के लिए जाएंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद घर जाएंगे और ये इंजॉय करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद ये 7 बजे वापस आएंगे और फाइनल खेलेंगे और इस इवेंट को इंजॉय करेंगे, उसके बाद हमारी क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी। तमाम हमारे टेफलेरियन से, हमारे तमाम तमाशाइयों से रिक्वेस्ट है कि
ज़रूर ज्वाइन करें और इस इवेंट को इंजॉय करें। हुज़ैर बलोच आखिरी ओवर कराएंगे अपनी टीम के लिए और हुज़ैर बलोच नाम की तरह खतरनाक और इन्होंने ये विकेट हासिल की। सीधा बॉल विकेट के अंदर और बैट्समैन आउट, नुकसान पवेलियन की तरफ, बैट्समैन वापस, देखते हैं कि नए बैट्समैन कौन होते हैं। एज ए टीम स्ट्रेटजी बनाकर आए हैं कि जड़ों से हटना नहीं है और एक बार फिर जड़ पर फंसाया बैट्समैन को। तारिश, मैं आपको बताता चलूं कि ये वो टीम है अहमद मरकज एनजीओ से जिन्होंने दो दफ़ा DSL का जो है एजाज़ हासिल किया, विनिंग रहे और एक आध दफ़ा रनर अप भी रहे, फाइनल तक पहुंचे। बेहतरीन कॉम्बिनेशन इस टीम का है। तो सलीम भाई, कौन बताएगा इनको कि दूसरे भी खेलने आए हुए? सर, ये वो प्लेयर्स हैं कि ये मौका नहीं देते दूसरों को खेलने का। और फहद जब्बार, वकार अनवर, जैन अनवर और हमारे हुज़ैर बलोच, ये वो तमाम प्लेयर्स हैं जो इस टीम के जो है बेहतरीन प्लेयरों में काउंट होते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और अपनी टीम को विनिंग पोजिशन तक लेके आते हैं। हुज़ैर बलोच वंस अगेन, इस बार सही तरह टाइम नहीं कर पाए, बॉल की लाइन में नहीं आ पाए। अंपायर का इशारा लेग बाय, एक रन का इजाफा, लेकिन एक रन से काम नहीं चलने वाला। इनको बाउंड्रीज चाहिए और एक अच्छा टारगेट सेट। 8 ओवर्स का मैच है। Right, this is how Hुज़ैर got a wicket in the previous delivery. और बाउंड्री से बाहर, फील्डर बेबस, कोई मौका नहीं कैच करने का, फील्डर देखते रहे और बॉल बाउंड्री से बाहर, अंपायर के इशारा 6 रन। बहुत ही अच्छा शॉट दानिश, हवा में काफ़ी ऊंची चली गई थी बॉल और कुछ हवा चलना शुरू हुई है एंड इट्स अगेंस्ट द स्ट्रेट शॉट। बिल्कुल, ये रिस्क करते हैं, अगर शॉट स्ट्रेट खेलते हैं तो हवा का प्रेशर है, बिल्कुल दबाव है, पावरफुल शॉट खेलनी होगी ताकि बॉल बाउंड्री से बाहर जाए। थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, थैंक्स यू वेरी मच के हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इस मौसम को एंजॉय करेंगे। और दूसरा शॉट, ये भी पवेलियन एंड से बाहर, कोई मौका नहीं फील्डर को बॉल पकड़ने का, फील्डर देखते रहे और बॉल सर से ऊपर निकल गई इनके। ठीक, 4 बॉलों में 13 रन आ चुके हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमें बैट्समैन से भी मिली जो कि हिसाब किताब रख रहे हैं कि इतने रन आ गए, इतने बनाने। टेप बॉल का सबसे अच्छी बात ये कि हर टीम का प्लेयर जो है वो रन काउंट कर रहा होता है दानिश और टैली कर रहा होता है मुसलसल। स्लो डिलीवरी, कीपर बॉल के नीचे, लेकिन मुश्किल। और 2 रन बन चुके 3rd रन के लिए, लेकिन नहीं बना सके। 1 शॉट, 1 रन शॉट, अंपायर का इशारा, 1 रन का इजाफा। ये 1 रन भी भारी पड़ सकता है, एफर्ट तो पूरी की, थोड़ा सा चूक गए और क्रीज पे पैड नहीं रखा और 1 रन का नुकसान। हुज़ैर बलोच का पहला ओवर बेहतरीन साबित हुआ, दूसरा ओवर बड़ा महंगा साबित होते हुए और वकार अनवर हुज़ैर को समझाते हुए, क्योंकि वकार खुद एक बेहतरीन बॉलर है। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स, क्या होता है इस बॉल पर? DSL 9 डेफ्लेरिया सुपर लीग एडिशन 9 जारी, पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। प्रॉपर्टी ट्रेड सेंटर मुस्तफ़ा एसोसिएट बैटिंग कर रही है और अहमद मरकज NGO फील्डिंग कर रही है। और अल मुस्तफ़ा की बैटिंग इनिंग्स का आगाज एक सिंगल से हुआ, दे वुडंट रियली बी हैप्पी विद इट। एक अच्छा टारगेट मेरे ख्याल में सेट किया है इन्होंने 8 ओवर में और इनिंग का अख्ताम, बिल्कुल 110 रन बनाने में कामयाब हुई है अल मुस्तफ़ा। 109 रन का टारगेट दिया और 110 बनाने जीतने के लिए दानिश, बिल्कुल फॉल ऑफ विकेट्स भी हम आपको दिखाते हैं। 6 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बनाए PTC ने और 110 रन का हदफ दिया है। ये पहली विकेट थी जो कि सीधा हाथ में खेल गए थे, एक बार फिर जोरदार शॉट लगाते हुए कैच दिया। दिस वॉज अ रियली रियली वेल टेकन कैच बाय जैन। ये तीसरी विकेट थी जो PTC की गिरी, एक बार फिर जोरदार शॉट मारने के लिए गए और सीधा कैच दिया। दिस वाज अ टॉप एज व्हिच वाज वेरी वेल टेकन बाय जैन। ये पांचवी विकेट थी, एक बार फिर शिकार हुए अग्रेशन का और इस बार यॉर्कर के विकेट हासिल करने में कामयाब हुए।
110 रन बनाने में कामयाब हुई है यहां पर अल मुस्तफा एंड ट्रॉफी सेंटर की टीम, अहमद स्टेट मरकज एंड जियो स्टेट को ये मैच जीतने के लिए और फाइनल का टिकट कटाने के लिए 110 रन दरकार होंगे। सलीम, अच्छा एवरेज स्कोर है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, अगर अच्छी बॉलिंग कराई जाए तो डिफेंड किया जा सकता है। देखिए स्कोर, डिफेंडिंग स्कोर तो ये है, लेकिन अहमद स्टेट मरकज के जैसे बैट्समैन हैं वो बहुत ही एग्रेसिव खेलते हैं और मशहूर हैं छक्के लगाने में, तो बॉलिंग बहुत ही नपीतुली करनी पड़ेगी अल मुस्तफा की टीम को। तो राइट, हसाम खान एक रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे, मेहरान खान 21, शरिया खान ने 56 रन की स्कोर इनिंग्स खेली और अजहर अनवर आखिर में सिर्फ 4 गेंदों पर 13 रन बनाने में कामयाब हुआ। इन्होंने ही मेक श्योर किया कि 110 का टोटल दें, वरना शायद 100 रन भी पार नहीं कर पाती इनकी टीम। हाँ दानिश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह आखिरी के दो ओवर्स जो हैं वो बड़े। बॉलिंग खान आपके सामने, वलीद खान 2 विकेट लेने में कामयाब हुए, जैन अनवर ने 3 विकेटें हासिल की और अगर जैन इन 3 विकेटों के साथ एज अ बैट्समैन भी कुछ कर लेते हैं, जैसे आप बता रहे थे मंझे हुए ऑलराउंडर हैं, जैन जो है ये थ्रू आउट बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं इस इवेंट के अंदर, टूर्नामेंट के अंदर। डीएसएलएन में इन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया है, 78 रन ऑलमोस्ट इन्होंने इंडिविजुअली स्कोर किया। गाड़ी किसको मिलने वाली? मुझे लगता है कि अगर अहमद मरकज, right, Ahmed State need 110 runs to win in 8 overs at 13.75 runs per over. Saleem Akhtar aur Danish Anees aapko join karenge commentary box se abse kuch der baad with the reply of Ahmed State.